पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हाँ जी सानी भाई। हाँ जी हरीश भाई, नमस्कार। नमस्कार, क्या कहने जा रहे हो? कुछ नहीं, आपसे बात करने की बड़ी इच्छा थी, बहुत समय से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपके काम को बहुत पसंद करता हूँ और बहुत एडमायर करता हूँ आपको जी। और आपको फॉलो करते करते मैं भी बीच में एथियस्ट हो गया था, हिंदू हूँ। अच्छा, आपके साथ भी वही हुआ, आपने वो हमारी लॉजिक अपने धर्म पे लगाई तो आप हिंदू हो गए। नहीं मतलब हिंदू हूँ लेकिन बीच में आपको फॉलो करते करते एकदम ही एथिस्ट हो गया था। अच्छा, और अच्छा, फिर थोड़ा घर वालों, वापस हिंदू हो गए? वापस हो गए क्योंकि घर वालों का ऐसा रिएक्शन, घर वालों का ऐसा रिएक्शन, अरे ये क्या कर रहे हो यार, ये तुम ऐसा वैसा, मतलब पीछे ही पड़ गए थे तो थोड़ा थोड़ा वापस आना पड़ा, कुछ ऐसे पर्सनल रीजन भी थे। अभी जो अंकल जी आए थे, यानी वो कह रहे थे कि हिंदुओं को भी उनके घर वाले तंग कर सकते हैं अगर वो नास्तिक हो जाए। नहीं ऐसा वाला तंग नहीं करते, मतलब जो कह रहे थे वो तो गलत ही कह रहे थे, एकदम ही गलत कह रहे थे। सरतान से जुदा, हाँ वो तो बिल्कुल गलत, सरतान से जुदा वो ऐसा नहीं होता सर, मतलब हिंदुओं में ऐसा नहीं होता। हाँ मैं आपको फॉलो करते करते एकदम मेरा दिमाग, मतलब क्योंकि आपकी लॉजिक लगाने लगा मैं अपने धर्म में और सारी चीजें होने लगी, तो बीच में ऐसा मान के चलिए जो इस साल का जनवरी फरवरी मार्च का जो समय था उस टाइम मैं एकदम ही दूर हो चुका था इन सब चीजों से, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई मेरे साथ फिर मैं अपने फेथ में वापस आ गया। वो पर्सनल है, मैं बता नहीं सकता। नहीं बता रहे हैं, लेकिन कोई बताए ना कुछ, हम भी तो देखें ना कि क्या क्या ऐसी बात है कि एथियज्म के नजरिए से आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए कि आप फिर से हिंदू धर्म में चले गए। भाई इस्लाम में क्यों नहीं गए, किसी और धर्म मजहब में क्यों नहीं गए, क्या ऐसा है? यही मैंने पहले भी बात की थी, कितनी मजे की बात है कि जब भी किसी को कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या मिरेकल होता है तो वो अपने मजहब में ही वापस जाता, कितनी मजे की बात है। हाँ सही बात है, सही बात है। एक्चुअली हुआ क्या ना कि इसका मतलब तो ये हो सकता है ना कि आपकी जो इंटरप्रिटेशन है उन उन मौकों की, वो इंटरप्रिटेशन गलत हो सकती है जो आपने उसको अपने रिलीजन के हिसाब से उसको नथी किया। हाँ जी सर, मैं मेरा आपसे एक सवाल था जी कि जो हमारे यहाँ एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल निकली है, नहीं मुझे पहले नहीं सर ऐसा है ना कि वो ऐसी चीजें मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर करने में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ, इस वजह से कह रहा था। नहीं चले आप, चले वो इवेंट शेयर ना करें, चलो फिर आपने फिर उसको यही कह दिया कि वो इवेंट, फिर मैं इवेंट की गहराई में जाए बगैर तो नहीं ना आपका डायग्नोसिस, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी लंबी चीज है तो उसमें बोरियत होगी, क्या मतलब है? चले मेरा सवाल ये है कि हमारी जो लॉजिक है जो मैं देता हूँ फ्रॉम एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू, क्या आपने वो अप्लाई करने की कोशिश की? बिल्कुल सर, बिल्कुल की। और आपने क्या ये सोचा कि शायद आपको गलत लगा हो, आपका एक्सपीरियंस गलत हुआ हो, उसकी कोई और वजह हो सकती है, क्या आपने ये अप्लाई की उनके ऊपर चीजें? नहीं देखो हरीश भाई, आप जो कहते हो ना वो एकदम, मतलब उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, आप कहते सही हो, लेकिन कई बार ऐसा ना कि जब मैं, मतलब जब एथियस्ट हो रहा था, हो गया था बीच में, तो एक अजीब सा खालीपन हो गया था लाइफ में, मतलब और डर सा लगने लगा था कि क्या हो रहा है और कुछ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना जो इंसिडेंट ऐसे हुए कि ऐसा हो गया था कि मैं कहाँ जाऊं, किससे हेल्प मांगूं, तो जैसे होता नहीं कि जब आदमी हेल्पलेस हो जाता है तो कहीं ना कहीं से एक वो, मतलब जैसे कहते हैं दुआ तो करता आपको मंदिर में जाकर प्रसाद मिल जाता है, आपको मंदिर में जाकर प्रसाद मिल जाता है। हाँ जी, वो हेल्प नहीं, यानी कौन सी, कैसा अकेलापन था आपको, क्या मतलब था अकेलापन? अब सर मैं ये बहुत वैसी बात है, मैं ऐसे नहीं प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर पाऊंगा,
वरना मैं बता देता ऐसी बात खुश रहिए, जा रही है जिस मर्जी नजरिए में रहिए, खुश रहिए और इंसान बन के रहिए, लोगों को इंसान बन के रहता हूँ सर, आपको फॉलो करता हूँ, इंसान बन के ही रहता हूँ। अच्छा एक मेरा सवाल ले लें सर, जो हमारे यहाँ एक्स मुस्लिम मूवमेंट शुरू हुई है जिसमें जो भी आप भी फॉलो करते हो उस चीज को जो हो रही है भारत में, तो आपको क्या लगता है कि मतलब भारत में जो हमारे मुस्लिम बिरादरी है इसमें जो ये कट्टरता है ये मतलब कब तक खत्म होगी और ये मतलब आने वाले 5 से 10 साल में क्या होने वाला है? कट्टरता जो है मुझे नहीं लगता कि कम होगी, मुझे लगता है कट्टरता बढ़ेगी। उसकी वजह यह है कि दूसरी साइड जो है वो भी कट्टर होती जा रही है, जो जिसको हम टुन्नी लोग कहते हैं वो भी ज्यादा कट्टर होते जा रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र का मुतालबा करते हैं, वो भी दंगे फसाद उसी तरह करने लग गए हैं या उस तरफ एस्पायर करने लग गए हैं जिस जो काम मुसलमान पहले करते रहे थे। तो ये काम जो है मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं लगता कि स्पेशली अगर ये कोर्स करेक्शन ना की गई जल्द अज जल्द, और ये बल्कि ज्यादा गंदा काम होगा। अभी नूपुर शर्मा ने एक काम किया, अभी देखिएगा ये और काम होगा, अभी और लोग बड़े बड़े लोग गुस्ताखियां सो कॉल्ड इस्लाम की गुस्ताखियां भी करेंगे क्योंकि वो भी अग्रेसिव हो रहे हैं। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा नूपुर ने गलत किया, फेयर इनफ, उसको अपने मनसब का ख्याल रखना चाहिए था, शी वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उसे कोई उसका मतलब ये नहीं जो मुसलमानों ने किया वैसा नहीं होना चाहिए था। हैविंग सेड दैट, जो इन्होंने किया और मुझे नहीं लगता कि ये काम ठंडा होगा, ये काम ज्यादा बुरा होगा। अच्छा जी चलिए, थैंक यू आपने समय दिया मुझे। ओके थैंक यू सर। अच्छा जी, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।